नमस्कार। गैस से आज एक आम आदमी ग्रसित है और गैस को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय किए होंगे, लेकिन योगिक उपायों में अगर बात करें तो एक बहुत शानदार आसन है जो कि हजारों सालों से एक गैस की समस्या को लाभ दे रहा है, और वो है वज्रासन। वज्रासन को वीरासन भी कहते हैं। अब बैठने का तरीका सामान्य तौर पर तो इसका यही है कि पैरों को मोड़कर इसमें बैठा जाए, लेकिन जिनको गैस कई सालों से बनी आ रही है उनका शरीर स्टिफ है, पत्थर जैसा हो रहा है, वज्रासन में बैठने को कहेंगे तो यहां टखने में दर्द होगा या फिर थाइस इतनी मोटी है कि बैठा ही नहीं जाए। तो दो तकियों का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपकी मर्जी है कि एक तकिए से बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, वरना दूसरे तकिए से आप कर सकते हैं। इसको घुटना दर्द वाले भी कैसे करें वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो, सबसे पहला उपाय तो ये है कि ये जो मसंड है या तकिया, घर में तकिया तो सबके पास है जो कि सोने में काम आता है, वो तकिया जो है वो आप दोनों पिडलियों के और थाइस के हिप्स के एकदम बीच में लगा लीजिए। ये आप तकिया लगा लेंगे तो पहला वज्रासन जो है आसान आपका यही हो जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ये यहाँ पिडलियों में तो हो गया लेकिन टखनों में दर्द आता है। ये ज्यादातर लोगों को, अगर 100% लोग नहीं कर पाते हैं तो उसमें 60-70% ऐसे हैं जिनको टखनों में दर्द आता है। तो टखनों में दर्द आता है तो टखनों के जस्ट नीचे इस तरीके से पैरों का जो ये मुड़ा हुआ कर्व है, इस कर्व के जस्ट नीचे आपको ये तकिया लगाना है। ये लगाते ही आपका वज्रासन बड़ा शानदार हो जाएगा। वज्रासन क्यों हमारी गैस को ठीक करता है ये थोड़ा जाने। पिंडलियों का पूरा प्रेशर बनेगा और ये पैर मुड़ जाते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा पैरों में जाने से रुक जाता है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ नहीं गया तो वो कहाँ जाएगा? वो पेट में काम आएगा। और आंतों को जो है वो, क्योंकि हमारे शरीर की फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता भोजन को पचाने की होती है, अगर आपने भोजन करते ही तुरंत वज्रासन में बैठना शुरू कर दिया तो आपका ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ जाना बंद हो गया, बाकी का जो बचा ब्लड सर्कुलेशन वो आंतों पे लगा और आंतों के भोजन को पचाने में पूरा पूरा प्रयास करेगा। आप नियमित रूप से 5 से 10 मिनट, देखो शुरू शुरू में 1-2 मिनट से अभ्यास शुरू करो, उसके बाद में पिलो लगाकर तो आप आधा घंटा भी बैठोगे तो आपको थकान नहीं होगी। ये लगा लिया नीचे तो टखने का तो दर्द एकदम खत्म है। अब आप वज्रासन में 10 मिनट भी बैठ सकते हो, पहले दिन भी आपका अभ्यास हो जाएगा। अब बात रही कि यहां पर अगर ना बैठा जाए तो फिर क्या करें, तो फिर आप दूसरा तकिया लगाए। ये मेरे पास मोटा मसंड है, हालांकि मैं आपको घुटने दर्द के लिए बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां आप पतला मसंड भी ले सकते हैं, पतला तकिया भी ले सकते हैं। अब जो जिनको घुटना दर्द है उनके लिए मैं बताता हूं कि जिनको घुटना दर्द है वो वज्रासन में पीछे मुड़कर नहीं बैठ सकते तो उनको इतना मोटा मसंड लेना चाहिए या फिर इसी प्रकार के पतले तकिए 2 या 3 लगा लीजिए और इस तरीके से बैठिए। अब देखो, इस स्थिति में जब आप बैठेंगे तो आपका घुटना पूरा 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री में तो मोड़ ही सकते हैं जिनको घुटना दर्द है, नीचे गद्देदार जगह होनी चाहिए, उसमें ये मसल लगा लिया तो आपका एक अभ्यास हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये मसल्स आपकी टोन होने शुरू हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका ओके होना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये मसंड भी आपको धीरे धीरे इसकी आवश्यकता कम होनी शुरू हो जाएगी और आप आराम से नीचे जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे और आपका ये पैर जो है पूरा खुल जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, जीवन का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपका, अगर आपने आज से ही वज्रासन को लगाना शुरू कर दिया। आंतों के अंदर एक्टिविटी शुरू होगी, गैस आपको पहले दूसरे दिन में ही हल्का होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी जो नसों में एक प्रेशर है वो प्रेशर आपका कम कर देगा और फिर उसके बाद में अन्य उपाय आप अपने कर सकते हैं। इसको सबको करना चाहिए, माताओं बहनों को सबको करना चाहिए, बच्चों को, पुरुषों को, सबको करना चाहिए सुबह और शाम। वो आसनों में करें वो अलग बात, लेकिन भोजन के तुरंत बाद, भले दोपहर का भोजन हो भले शाम का, 5 से 10 मिनट का अभ्यास पूरी फैमिली को एक साथ करना चाहिए। एक साथ भोजन करें तो एक साथ ऐसा बैठने का प्रयास भी करें, आपको इस वज्रासन के इतने लाभ मिलने वाले हैं, आप खुद देखेंगे आपकी चाल में फर्क आ जाएगा। और वज्रासन से उठने के बाद तुरंत आप कभी भी वज्रासन से सीधा पैर नीचे ना रखें, पैरों को खोलें और आगे बैठकर कदम ताल का ये अभ्यास, हमारा बैठकर कदम ताल है जिसमें पिंडलियों को जमीन पे लगा के ब्लड सर्कुलेशन उनमें पहुंचाना, ये अभ्यास आप कर लो, आपको 10-15 दिन में अपना शरीर का हल्कापन महसूस हो जाएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये जीवन का ये मानिए, गैस के बिना शरीर जो होता है वो गैस, नाम तो हवा का है लेकिन ये हवा बहुत भारी कर देती है और ये हल्की नहीं होती, शरीर को बहुत बहुत बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो आप ध्यान रखें, शरीर को स्वस्थ बनाएं और वज्रासन का अभ्यास अपनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।